हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू एग्जाम फोकस बाय सौरभ। पिछले वीडियो में हमने 9 और 9 के मल्टीपल्स का जो शॉर्ट ट्रिक था वो देखा था। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा 11 अगर आपको दिख जाए मल्टीप्लायर में तो आप कैसे मल्टीप्लाई करेंगे शॉर्टकट में शॉर्ट ट्रिक के साथ। तो खास तौर पर SSC CGL हो, बैंक PO, IBPS जितने भी एग्जाम्स होते हैं जहाँ एप्टीट्यूड रिक्वायर्ड होता है वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन आपको ज़्यादातर ऐसे ही क्वेश्चन दिखेंगे जहाँ पर शॉर्ट ट्रिक का यूज करना होता है टाइम बचाने के लिए, और क्वेश्चन भी इसी हिसाब से सेट किए होते हैं कि आप शॉर्ट ट्रिक यूज कर पाएं। तो आज मैं जो 11th का मल्टीप्लायर का जो क्वेश्चन होता है मल्टीप्लीकेशन वो आपको दिखाऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 1 देखते हैं और बहुत ही शॉर्टकट तरीके में आप इसे बना सकते हैं 35 × 11। तो क्या पहले तो मैं कन्वेंशनल अप्रोच जो बच्चों का रहता है वो दिखाता हूँ। 35 एंड वंस अगेन 35, देन इट विल गिव 5, देन 8, 385। तो आंसर 385 है। ओके, अब करना क्या है, शॉर्ट ट्रिक। शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करते हैं ये देखिए। सबसे पहले तो 3 है तो 3 के जगह 3 लिख लें। दूसरा क्या है, 5 है, 5 के जगह 5 लिख लें। थर्ड स्टेप में हम क्या करते हैं, इन दोनों के बीच में जो गैप है 3 + 5 कर दें, बिल्कुल 5 + 3 होता है 8, तो हो गया ना 385 आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, अपने से ट्राई कर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एग्जांपल 2, 72 × 11। सपोज दिस व्हाट यू हैव टू मल्टीप्लाई, तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। 7 का आ जाएगा 7, 2 का आ जाएगा 2, और इन दोनों के बीच में आ जाएगा 7 + 2 = 9। तो इसका आंसर होगा 792। क्रॉस चेक कर सकते हैं आप, 2 7 7 2 2 9 7, तो आंसर यही है 792। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, सो ये टाइप 2 के क्वेश्चन हैं, और जो क्वेश्चन है 4 2 6 3 1 × 11। सो वंस अगेन मल्टीप्लायर इज 11 बट जो मल्टीप्लिकेंड है वो हमारा 4 2 6 3 1 है। अब इसको कैसे सॉल्व करें, 4 और 1 जो एक्सट्रीम पोजिशन है उनको आप वैसे का वैसा ही लिख दें। अब हम क्या करेंगे, 4 + 2 क्या होता है, 6। अब 6 + 2 ये हमें देता है 8, 6 + 3 ये हमें देता है 9। तो सिंपली जो हमारा आंसर होगा 4 6 8 9 4 1, और ये इन दोनों को भी हमें ऐड करना है। सो 3 + 1 इट विल गिव 4। सो आंसर हो गया 4 6 8 9 41। ओके, दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू, 344 × 11। सो मल्टीप्लिकेंड इज 344 और मल्टीप्लायर है 11। अब क्या करना है, सबसे पहले जो एक्सट्रीम पोजीशन वाले उनको वैसे ही लिख लेंगे 3 और 4 को, और बीच वाले जितने नंबर हैं उनको हम ऐड कर लेते हैं। तो 3 + 4 विल गिव यू 7 एंड 4 + 4 विल गिव यू 8। सो हमारा आंसर हो जाएगा 3 7 8 4। कितना आसान है ना ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व करना, इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग बाय कन्वेंशनल अप्रोच। तो अब एक और टाइप देख लेते हैं। ओके गाइस, तो एक नया टाइप सीखेंगे हम, और इस टाइप में थोड़ा सा अंतर है। पिछले केसेस में हमने देखा था जब हम 3 2 2 × 11 कर रहे थे तो जब हम सम कर रहे थे तो 10 से आगे नहीं जा रहा था, इनफैक्ट 10 से कम रह रहा था। लेकिन इस केस में जब आप 7 + 3 करोगे या 5 + 7 करोगे तो ये 10 से एक्सीड करेगा। सो ऐसे केसेस के लिए थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है, चीज वही है। तो चलिए क्वेश्चंस के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। तो 4 5 7 3 मल्टीप्लिकेंड है और 11 फिर से मल्टीप्लायर है। इन दिस केस हम लोग करेंगे क्या, 4 5 7 3। अब पहले तो ये वाला पार्ट हम यू का यू लिख लेते हैं, लास्ट एक्सट्रीम पार्ट हम वैसे ही रखते हैं, बट वी विल स्टार्ट फ्रॉम द राइट एंड, राइट साइड से हम लोग शुरू करेंगे। अब नेक्स्ट केस हम लोग क्या करते हैं, 7 + 3 जोड़ते हैं। तो 7 + 3 क्या होता है, 10। तो 10 का 0 हो जाएगा और 1 क्या होगा, कैरी फॉरवर्ड करेगा। नाउ नेक्स्ट स्टेप, 7 + 5 क्या होता है, 12 और जो यहां पर 1 था तो ये मिलकर क्या बनाएगा, 13, इजंट इट। अब यहां पर ना दे, यहां पर 13, और 13 का भी फिर से 1 कैरी फॉरवर्ड होगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, 4
फाइव प्लस फोर नाइन और नाइन प्लस वन टेन, तो यहां से हमें मिला जीरो और वन अभी भी कैरी फॉरवर्ड होगा। तो अब क्या है लास्ट डिजिट? फोर, फोर तो पहले और साथ में एक वन, तो ये बन गया फाइव। तो इस तरह से हो गया आंसर हमारा 50303, ये हमारा आंसर आ गया। एक क्वेश्चन हम और इसी फॉर्मेट पर देखेंगे। ओके गाइज, सो दिस इज अनदर क्वेश्चन फॉर यू, और मेरे बनाने से पहले अगर आप बना ले तो ये बहुत अच्छी बात होगी। तो सबसे पहले स्टेप वन क्या करते हैं, जो राइट हैंड साइड का डिजिट होता है, यहां पर भी देखिए 6 प्लस 4 10 हो रहा है, मतलब एक्सीड कर रहा है, 8 प्लस 3 11 हो रहा है। तो हम ये वाला अप्रोच लगाएंगे जो टाइप थ्री है हमारा। तो पहला डिजिट को हम उसी तरह लिख लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, राइट हैंड लेफ्ट हैंड तरफ मूव करेंगे, 6 प्लस 4 10 होता है, तो उसका जीरो हमने लिख लिया सीधा, कैरी फॉरवर्ड किया वन। अब हम 4 प्लस 3 करेंगे सेवन, तो 4 प्लस 3 7 प्लस 1, दिस विल गिव यू 8। अब हम 3 प्लस 8 करेंगे, 8 प्लस 3 होता है 11, तो 11 का 1 और 1 फिर से कैरी होगा, और 8 प्लस 2 होता है 10, और 10 प्लस 1 दिस विल गिव 11, और लास्ट डिजिट जो है 2, तो 2 को हम लिखेंगे, लेकिन 2 के साथ 1 भी कैरी फॉरवर्ड होगा, 2 प्लस 1 दैट इज विल बी इक्वल टू 3। तो हमारा आंसर हो जाएगा 311806। तो इस तरह के क्वेश्चन आप खुद से फ्रेम करके और बना सकते हैं और खुद से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपकी जो स्पीड है वो उतनी ज्यादा अच्छी होती चली जाएगी, और आपको एग्जाम में जो ये अप्रोच है, ट्रिक्स वाले अप्रोच, वो आप जल्दी या पहले आपको दिमाग में आएगा, तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। सो थैंक यू, कीप वॉचिंग एग्जाम फोकस। आपको अगर अच्छा लगा ये वीडियो तो शेयर करें, लाइक करें और हमें सब्सक्राइब करें। इनफैक्ट आप बेल भी टैप कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन एग्जाम फोकस की तरफ से मिलता रहे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, और हम इकोनॉमिक्स और केमिस्ट्री पर और वीडियो अपलोड करने वाले हैं वेरी सून। सो कीप वॉचिंग एग्जाम फोकस, थैंक यू।